हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अब यहाँ पर अपेंड क्वेरी का यूज कैसे करेंगे वो देखेंगे। अपेंड क्वेरी यानी कि सिंपल क्वेरी से कुछ अलग, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेबल हमने बनाई है और इसके डेटा टाइप कुछ इस तरह से हमने रखे हैं और आप देख सकते हैं आईडी है, ऑटो नंबर रखा है और यहाँ नेम है और यहाँ सिटी है, ठीक है। अब इसको सेव कर लिया है मैंने और डबल क्लिक करेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा। इसमें कुछ रिकॉर्ड्स भी फिल कर दिए हमने। अब इसको क्लोज कर देते हैं। दूसरा एक तो टेबल बना लेते हैं। ये टेबल बनाया हमने, यहाँ पर व्यू पे क्लिक करते हैं, ये टेबल टू है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ रजिस्ट्रेशन REG कर देता हूँ और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में कुछ हम कर देंगे, यहाँ पे नंबर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कर दिया और फिर यहाँ पे कर दूंगा कंट्री, तो ये कर दिया हमने कंट्री। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए यहाँ पर टेबल्स में कितनी फील्ड ली है हमने, तीन फील्ड। यहाँ पर भी हम तीन ही फील्ड ले रहे हैं, आप चाहे तो तीन से कम या अधिक भी ले सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से ओके प्रेस कर देंगे तो ये आ गया रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन में 1001 दे दिया हमने, डिस्ट्रिक्ट में नेम दे दिया DEORIA देवरिया और फिर यहाँ पे कंट्री में नेम दे दिया इंडिया, ठीक है। फिर नीचे आते हैं 1002 कर दिया रजिस्ट्रेशन नंबर और यहां पे डिस्ट्रिक्ट में दे दिया गोरखपुर और फिर यहां पे कंट्री में इंडिया। फिर नीचे आएंगे 1003 कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट में दे देंगे कानपुर और यहां पे इंडिया। 1004 होगा और यहां पे इंडिया करेंगे इस तरीके से, तो ये इंडिया कर दिया। और यहां पे 1004 है और यहां पे कर देता हूं लखनऊ और यहाँ पे इंडिया, ठीक है। तो ये फोर रिकॉर्ड्स हमने एंटर करवा लिए हैं। इसको सेव कर लेते हैं और दोनों ही टेबल्स को अभी क्लोज कर देते हैं। अभी इसका हमें काम नहीं है, अब काम लगेगा। क्रिएट पे चलेंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे। जैसे ही क्वेरी डिजाइन पे आएंगे तो ये टेबल वन को हम ऐड करवाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अपेंड आ रहा है तो इस अपेंड पर करना है क्लिक। अब यहाँ पर समझना है, यहाँ पर टेबल टू को हम अपेंड कराएंगे, ठीक है, टेबल वन के अंदर। तो ये यहाँ से करंट डेटाबेस ही चाहिए हमें, ओके कर देते हैं। अब करना क्या है, अब इन सारे फील्ड्स को उठा करके लेके आना है, यहाँ पे रख देना है, रख दिया। यहाँ पर आएंगे अपेंड टू, आपको दिखाई पड़ जाएगा, यहाँ पर आ जाइए और वो फील्ड ले लीजिए जिसकी आपको जरूरत है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत है, आईडी के साथ साथ रजिस्ट्रेशन नंबर चलेगा, नेम के साथ साथ क्या चलेगा, नेम के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट चलेगा और फिर यहाँ पर कंट्री चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर रन पे क्लिक करना है। जैसे रन पे क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा यू आर अबाउट टू अपेंड फोर रोज, तो यस कर दीजिए, बस ये अपेंड हो चुका है। अब क्या करना है हमें, अब अपेंड करने के बाद इस क्वेरी को सेव कर लेना है। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं किसी भी नाम से, ये सेव कर लिया हमने। यहाँ पे जब इसको ओपन करेंगे हम टेबल टू को, तो देखिए जो टेबल टू वाले रिकॉर्ड्स हैं, देखिए ये टेबल टू के रिकॉर्ड्स हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये टेबल वन में केवल इतना ही था, ये देखिए मैं दिखा देता हूं, टेबल वन में 1, 2, 3, 4 ये था और टेबल टू में क्या था, टेबल टू में 1001, 1002 और डिस्ट्रिक्ट का नेम था और कंट्री का नाम था। तो ये टेबल वन में ही अपेंड हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये क्वेरी को मैं अभी सेव करके क्लोज कर देता हूं यहां से, ठीक है, और ये टेबल टू को भी क्लोज कर देता हूं। तो देखिए ये टेबल वन है, अगर टेबल वन को मैं क्लोज कर देता हूं और टेबल टू को लेके आता हूं, तो देखिए टेबल टू वाले रिकॉर्ड्स टेबल वन में इंक्लूड हो गए हैं। इसे कहते हैं हम अपेंड क्वेरी, बात समझ में आ रही है, इसे ही हम कहते हैं अपेंड क्वेरी। तो उम्मीद करता हूं अपेंड क्वेरी समझ में आ गई होगी, सिंपल क्वेरी से ये कैसे अलग होती है। सिंपल क्वेरी अगर आपने लगाना सीखा होगा तो सिंपल क्वेरी तो बहुत ही आसान है, तो अपेंड क्वेरी कैसे अलग है ये भी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।